सबसे पहले तो मैं कैथल बैग न्यूज़ के जितने भी दर्शक हैं, व्यूवर्स हैं, फॉलोअर्स हैं, सबको हाथ जोड़ के मेरी तरफ से और हमारे आदरणीय बलराम जी की तरफ से सादर नमस्कार। कल हमने RKM पैलेस के अंदर सुबह 10 बजे कार्यक्रम रखा है और वो कार्यक्रम को जो हमने नाम दिया है वो दुष्यंत को हाँ, पॉलीथिन को ना। तो इस कार्यक्रम के तहत हमने इसके अंदर श्रीमती नैना चौटाला जी, विधायिका बालडा, उनको हमने आमंत्रित किया है और यहाँ हम बालाराम जी के नेतृत्व में 1000 महिलाओं को हम यहाँ पर जूट के बैग हैं वो बांटेंगे। तो जो हम एक संदेश पूरे कैथल जिला के माध्यम से पूरे हरियाणा के अंदर देना चाहेंगे कि जो सरकार की पहल होती है कि पॉलीथीन को ना यूज़ किया जाए, उसको अवॉइड किया जाए, तो उसी के माध्यम से हम कल इस शुरुआत जो पहल है इसकी शुरुआत करेंगे और हम नैना चौटाला जी के हाथों से महिलाओं को 1000 जो जूट के बैग हैं वो वितरित करवाएंगे। सबसे पहले तो भाई साहब आपको नमस्कार। कल RKM पैलेस के अंदर श्रीमती नैना चौटाला जी जो वाडडा से विधायिका हैं वो हमारे इस प्रोग्राम में शरीक कर रही हैं। कैथल हलके के जो भी साथी आपके चैनल को देख रहे हैं, मेरी उनसे प्रार्थना है ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में पहुँच के नेता के विचार सुने और उनके विचारों पे गौर करें। कल हम लोग जो सरकार का एजेंडा है कि पॉलीथीन को बंद किया जाए, हरियाणा के अंदर गठबंधन की सरकार है भाजपा की और जजपा की, तो हमारे जो नेता हैं माननीय श्री दुष्यंत चौटाला जी, हरियाणा के जो डिप्टी CM हैं, उनके आदेशों के मुताबिक हमने कल कैथल के अंदर नैना जी के हाथों से 1000 महिलाओं को बैग बंटवाए जाएंगे, पॉलीथीन को ना, दुष्यंत जी को हाँ। ये प्रोग्राम हम पार्टी की तरफ से कर रहे हैं, इसमें सरकार का कोई रोल नहीं है, ये पार्टी का प्रोग्राम है, ये हमारा प्रोग्राम है। लेकिन ये अभियान तो सरकार का है। जैसे सरकार का अभियान है लेकिन इसके अंदर हमारे जो डिप्टी CM दुष्यंत चौटाला जी हैं उनके आह्वान पर हम ये प्रोग्राम कर रहे हैं। ये जो महिलाएं 1000 बैग वितरित करेंगे, ये कैथल जिले मतलब कैथल शहर की हैं, कैथल हलके से ये महिलाएं आएंगी और पूरे हलके की महिलाएं आएंगी, ज़्यादा महिलाएं कैथल सिटी से आएंगी, हलके से भी आएंगी, गांव से ही महिलाएं आएंगी। ये जो 1000 महिलाओं की हम बात कर रहे हैं, ये पहले से ही चुनी हुई महिलाएं हैं या सबको, अगर मान लीजिए प्रोग्राम में 2000 महिलाएं आ जाती हैं तो फिर कैसे तय करेंगे कि हम? भाई साहब हमने बैग भी 2000 ही बनवा रखे हैं, हमारी पार्टी भी बड़ी है और हमारा दिल भी बड़ा है, चाहे 5000 महिलाएं आ जाएं हमें कोई दिक्कत नहीं है। हमारा मुख्य उद्देश्य ये है जो हमारे नेता हैं, हमने अपने नेता की हाँ में हाँ मिला के उनके कद को बढ़ाना है। हम इस मामले में अगर वहाँ पे 2000 महिलाएं भी पहुँचती हैं तो हम 2000 महिलाओं को भी बैग देंगे। हल्के से कोई भी किसी भी गांव से या किसी भी वार्ड से महिला आएगी उसका हम पूरा सम्मान करेंगे, सभी महिलाओं को बैग देंगे, यहाँ तक कि हमने सब महिलाओं के लिए खाने का अरेंजमेंट भी किया है। प्रोग्राम के जरिए क्या मैसेज देने की कोशिश करेगी जजपा? प्रोग्राम के जरिए से जो मैसेज आएगा, जिस तरह से सरकार ने कह के पॉलीथीन को बंद करो, जिन महिलाओं को बैग देंगे हम उन महिलाओं से हाथ जोड़ के प्रार्थना भी करेंगे कि आप जब मार्केट में जाओ जो बैग कपड़े का हम उनको देंगे उस बैग को आप लेके जाओ, पॉलीथीन को मत यूज़ करो। दुष्यंत का इसमें जोड़ना कहीं राजनीतिकरण तो नहीं? छोटे भाई राजनीति तो हर व्यक्ति करता है लेकिन अच्छा काम करके राजनीति करना बहुत अच्छी बात है, ये एक अच्छी पहल है। हमारी पार्टी हमेशा ही अच्छी पहल करके चलती है और अच्छी पहल के अंदर ही सर्व समाज का भला है।